नमस्ते, मैं हूं शालिनी और स्वागत करती हूं आप सबका सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर में। महीनों की कड़ी मेहनत और टेस्ट से गुजरने के बाद हजारों की भीड़ में से हमने ढूंढे हैं सेल्स की दुनिया के वो 10 चमकते सितारे जो इस ग्रैंड फिनाले में 10 लाख की नौकरी के लिए कम्पीट करेंगे। इतना ही नहीं, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस बेहद ख़ास शाम में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस शाम से भी ज़्यादा ख़ास हैं हमारे वो 10 कंटेस्टेंट्स जो देश के पहले सेल्स टैलेंट हंट के फाइनलिस्ट बने हैं। शाम शुरू करें, कंटेस्टेंट से आपका परिचय कराएं, उससे पहले कुछ खास लोगों को शुक्रिया कहना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी उस शख्स को जो आज सिनेमा जगत में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना सिक्का जमा चुके रवि किशन जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, कहिए। आपसे एक सवाल पूछना है। मैं ही शुरू हो गया। आप इतने शहरों में गए और इतने युवाओं से मिले, और बड़ा दिलचस्प होता है जब आप यंग जनरेशन को देखते हैं, लेकिन उनकी कहानियों के जरिए कई बार अपना स्ट्रगल, अपने बुरे दिन भी बहुत याद आते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आंखें गीली भी हुई, क्योंकि मेरी भी एक यात्रा। Can we have a big round of applause for Ravi Kishan? हमारी दूसरी जूरी मेंबर, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी महिला की जिन्हें बचपन से ही खाने में नित नए प्रयोग करने की रुचि रही है, लेकिन उस शौक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई कोर्स नहीं किया। और फिर एक दिन वो भी आया जब सारी बाधाओं को पार करके वो बन गई देश की पहली मास्टर शेफ, मिसेस पंकज भदौरिया। प्लीज कम ऑन स्टेज। हमारे तीसरे जूरी मेंबर प्रोफेसर कौस्तुभ धारगरकर एक एंटरप्रेन्योर टर्न एकेडमिशियन है और 3 कंपनियों के फाउंडर। कौस्तुभ जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। हमारे अगले जूरी मेंबर हैं ईटीवी न्यूज नेटवर्क के एडिटर राजेश रैना। आप पत्रकार हैं जी, तो पत्रकार होने के नाते लेकिन एक सेल्स का टैलेंट हंट देखना कैसा रहा आपके लिए, आपका एक्सपीरियंस? देखिए, अक्सर आपने भी सुना होगा कि जो मीडिया हाउसेज हैं वहाँ पत्रकार और सेल्समैन या मार्केटिंग, उनके बीच में हमेशा झगड़े चलते रहते। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो जर्नलिस्ट है और जो सेल्समैन है, इनका चोली दामन का साथ है। क्योंकि जो एक जर्नलिस्ट प्रोडक्ट बनाता है, कंटेंट देता है, वही एक सेल्समैन बेचता है। और जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ आए हैं उनके लिए एक शेर सुनाना चाहूँगा। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। अब वो शख्स जिनके बिना ये शाम मुमकिन नहीं हो पाती, हमारे 5वें जूरी मेंबर और स्पॉन्सर सुकैम पावर सिस्टम लिमिटेड के फाउंडर और MD श्री कुमार सचदेव जी। ये सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी जिंदगी में आपने जो जो हम लोगों ने तब बात की थी, बस में पेन बेचने से लेके जो जो स्ट्रगल्स आपने किए हैं, वही सोच एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थी दूसरे युवाओं के लिए एक ऐसा शो शुरू करने की, उनको प्लेटफॉर्म देने की जो आपको नहीं मिला। एक्चुअली मैंने अपनी कंपनी में भी देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, और बट जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो दे परफॉर्म एट टाइम्स मच बेटर देन पीपल हु आर यू नो हु आर नॉलेजेबल या जिन लोगों ने डिग्री हासिल की है। और मेरे दिमाग में ये बड़ी देर से चल रही थी बात कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं ऐसे लोगों को ढूंढ पाऊँ जिन लोगों के पास शायद फॉर्मल डिग्री नहीं है या शायद ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है, बट दे कैन यू नो मेक इट बिग इन लाइफ। और उस एंगल से मैंने बहुत 2-3 साल से मैं सोच रहा था ऐसा कुछ करने के लिए, और मुझे मौका मिला और ETV वालों के साथ मिलके हमने ये शो शुरू किया। और हमने तो 10 का सोचा था, लेकिन मैं समझता हूँ हमने ऑलरेडी 4-5 लोग और हैं, तो मतलब वी विल एंड अप टेकिंग मोर पीपल फ्रॉम दिस शो। आज हमारे बीच बुलाना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ मंच पर आकर हमसे 2 शब्द कहें। सहनीय हैं, और इसके साथ ही मैं केवल यह कहना चाहूंगा ईटीवी ग्रास रूट का चाहिए कहें जी।
ये आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जो रोज़गार देने का काम कर रहे हैं लड़कों को, नौजवानों को, नवयुवतियों को, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। उनके जीवन को सुधारने का आप काम कर रहे हैं और मेरी कामना है कि आपका ये प्रयास बहुत सफल रहे और आगे भी इसी तरह से लोगों की आप मदद करते रहें और अन्य कंपनियां भी इस तरह के कार्यक्रम आगे शुरू करें, लोगों के कुछ ज़्यादा अवसर, नए लड़कों को, लड़कियों को ज़्यादा अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। ऋषि, जितनी भी तुमने टेक्निकल बातें करी ज़्यादातर गलत थी। आपने बैटरी के अंदर ट्रांसफार्मर की बात करी, आपने स्माइली मॉडल में LCD की बात करी, और LCD की बात करी। स्माइली मॉडल में LCD नहीं होता। सो ज़्यादातर अगर आप, मैं देखूं आपका पूरा उसमें, तो आपने टेक्निकल चीज़ों को बिल्कुल ओवरव्यू कर दिया। सर सब नहीं, इट वाज जस्ट दी नहीं मैं words. कोई एक आध गलती होती तो चलो मैं छोड़ देता। आप तीनों डीलरों के पास गए, तीनों डीलरों के पास आपने कोई ना कोई गलती करी। माई वीकनेस आई सपोज इज दैट आप गए, आपने उल्टी बातें करी। अभी आप जो अपनी वीकनेस बता रहे हैं उसको मान नहीं रहे हैं। सर मैं मान रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। सर मैंने माना है, हर प्लेटफॉर्म पे माना है। एनीवे सर सॉरी। थी और मैंने अपना भी काम किया कि कन्विंस किया उनको। अरे वाह क्या बात है, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। क्या बात है, वेरी गुड श्वेता, फैंटास्टिक। कहते हैं ना, स्वयं को प्यार करता है दुनिया को प्यार कर सकता है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट क्वालिटी है। सेल्स का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी शक्ति है संयम। यस सर, जीवन की भी वही बात। तो आप तो खोक दिए, अब गरियाने लगे। नहीं नहीं, नहीं, नहीं वहां पे मैंने पूरा मतलब संयम बरता था उनके साथ। मैंने ईटा उटा लेके मारोगे, खरीदो नहीं तो ईटा मारूंगा, ऐसे टाइप के हो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर। गुंडा हो क्या भाई साहब? यस सर। आपने डिस्गस्टिंग क्यों बोला? मैं भी इन्हीं के पॉइंट को लेके चलता हूँ। टेक्निकल आपको आता नहीं, उसने आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। yes, तो भाई गलती क्या है? उस बेचारे को टेक्निकल आता था, वो आपसे पूछना चाह रहा था। नहीं सर, उनको मैंने पूरा सेटिस्फाई किया, उनको जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी या जितना मुझे मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन। एक मिनट, आपने बोला अभी उन्होंने कि उसने आपसे बोला कि आप डेमो करिए। yes, फिर sir. मैं लूंगा। yes, sir. तो उसमें उसने क्या गलत बात कही आपसे? नहीं सर, मैंने एडमिट किया, मैंने कहा ठीक है सर, आप डेमो बिल्कुल करवाएंगे, हम डेमो करवाएंगे, हम सर्विस भी देंगे, पहले आप प्रोडक्ट ऑर्डर करो, आपके यहाँ प्रोडक्ट ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो कह रहे डेमो करो, आप कह रहे नहीं प्रोडक्ट ऑर्डर दो फिर मैं डेमो करूंगा। नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि आप प्रोडक्ट लोगे, हम डेमो करेंगे, हम आप प्रोडक्ट लोगे तब हम आएंगे डेमो करेंगे, डेमो करके फिर आपको प्रोडक्ट देंगे। थैंक यू। आपके घर बात आई है सर, रवि सर की बात आई है। वो समझ गए, हम सब समझ रहे हैं। तुम कहीं घुट के 6 महीना में नौकरी छोड़ के भाग तो नहीं जाओ? जो खुशी है वो तुम तब समझ पाओगे जब तुम उनकी जगह होगे और तुम्हारा बेटा शायद वहाँ खड़ा होगा। मैंने बस लर्न टू अप्रिशिएट हिज टीयर्स मोर देन हिज स्माइल। एक छोटा सा, सारे ठंडे क्यों हो गए भाई? कहाँ है आपका जोश? जजेस, मैं चाहूंगी कि आप स्टेज पर आए और विनर्स अनाउंस करें, है ना? Always good to have a हाँ, ये भी हो सकता है कि जो वहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा इन लोगों ने इतना सारा गेम खेला है तो हम लोगों को थोड़ा ये घबराहट बढ़ रही है, उनकी भी और हमारी भी। You never know. तो भाई ज्यूरी ने बड़ा एक टफ डिसीजन रहा एंड हम लोगों ने तय कर लिया है बहुत सारी चीजें देख के, जैसे कि आप ज्यूरी के फेसेस देख सकती हैं कि ये इजी टास्क नहीं, ये खुद दिखने वाले इतने डिफिकल्ट टास्क के ज्यूरी हैं, खासकर हमारे कुंवर जी। एक्चुअली इतना टफ कंपटीशन था तो हमने सोचा 3 की बजाय 4 पोजीशन क्रिएट करें, क्योंकि पीपल आर सो गुड, सो वी थिंक दैट वी क्रिएट अनदर 4th पोजीशन। सो हमारा जो पहली पोजीशन थी कुंवर जी, अवार्ड अनाउंसमेंट के पहले मैं अवार्ड अनाउंसमेंट नहीं कर रहा अभी मैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट अवार्ड पे हमारा 10 लाख का पैकेज है, सेकंड पे 6 लाख का पैकेज है, एंड थर्ड पे 5 लाख का पैकेज है, और हमने एक और पोजीशन क्रिएट करी है 4th पोजीशन जहाँ पे 4 लाख का पैकेज करेंगे, तो रेस्ट इज ऑल 3 लाख। अवार्ड अनाउंसमेंट के पहले कुंवर जी सस्पेंस थोड़ा बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं 4 लाख के पैकेज। चलिए 4 लाख से शुरुआत करते हैं। तो 4 लाख सालाना की तनख्वाह जिनको मिलने वाली है सुकैम में ETV के माध्यम से, चौथा स्थान है जिसका, जिनको 4 लाख की नौकरी मिलेगी, उनका नाम है अंकिता जी। आपको तो चलिए धड़कने और नहीं बढ़ाते, आगे बढ़ते हैं।
और थर्ड पोजीशन पे जिनको मिल रहा है 5 लाख का पैकेज वो है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती निशांत। मुबारक हो श्वेता कि आप सेकंड आई हैं, तहे दिल से मुबारक आपको। एंड आई कोर श्वेता प्लीज आइए, आइए आइए, मुबारक हो आपको। आयो श्वेता को 6 लाख रुपए की तनख्वाह वाली साधु का जो स्टेज पे हमारे